हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज हम भरवा भिंडी या स्टफ भिंडी बनाएंगे बिल्कुल नए अंदाज में। भरवा भिंडी हम बनाएंगे भरवा प्याज के साथ, तो मज़ा दुगना होने वाला है इस रेसिपी का। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली है आधा किलो भिंडी। और जब आप स्टफ भिंडी या भरवा भिंडी बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा जो भिंडी हो वो थोड़ी छोटे साइज़ की हो, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी और बहुत मोटी मोटी नहीं हो, थोड़ी छोटी और थोड़ी पतली पतली भिंडी रहेगी तो अच्छा रहेगा। और अभी हम सबसे पहले भिंडी को काटेंगे। तो इसको काटने का ये तरीका रहेगा कि ऊपर और नीचे से हल्का हल्का आप इसका पार्ट निकाल दीजिए और फिर इस तरह से बीच में से हम कट लगाएंगे। तो मैं आपको एक भिंडी और कट करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें इस पर कट लगाना है, बीच में चीरा लगाना है जिसमें हम मसाला भरेंगे अपना। तो यहाँ पर हमने भिंडी अपनी सारी कट करके तैयार कर ली है। तो भिंडी को मैंने पहले ही धो करके अच्छे से पोंछ करके साफ़ करके रखा हुआ था। अब इसको रखते हैं साइड में और प्याज की बारी आती है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली थी और एक पाव जितने, मतलब यानी कि 250 ग्राम जितने हम बेबी अनियंस यूज़ कर रहे हैं। बेबी अनियंस को भी हमें छीलना है सबसे पहले, पर छीलते हुए ये ध्यान रखिएगा आप कि जो इसकी जड़ होती है प्याज की, जो ये नीचे जो आप देख रहे हैं छोटा सा बंच बना हुआ है जो जड़ है प्याज की, इसको हम अलग नहीं करेंगे, सिर्फ जो छिलका है उसको उतार करके अलग कर दीजिए। क्योंकि स्टफ्ड अनियंस बनाने हैं हमें तो मसाला भरते हुए प्याज हमारा टूटेगा नहीं अगर इसमें जड़ होगी तो। तो प्याज भी मैंने इस तरह से छील करके रख लिए हैं। तो भिंडी और प्याज हमने दोनों काट करके छील करके तैयार कर लिए हैं। और अब हम मसाला बना लेते हैं अपना। तो एक बॉल ले लेते हैं और उसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर धनिया पाउडर, यानी कि पिसा हुआ धनिया हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, तो 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है। साथ ही मैं ले लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही अमचूर पाउडर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, और धनिया लास्ट में थोड़ा सा और ऐड किया है। और अब हम सब चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और ये सूखा मसाला हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो अब जो हमने भिंडी कट करके रखी है, इस तरह से भिंडी को खोल खोल के हम ये सूखा मसाला भरते जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आप सारी भिंडी में मसाला भर के अलग रख दीजिए। और प्याज में भी हमें इसी तरह मसाला भरना है। तो प्याज को हम इस तरह से 2 बार कट लगाएंगे। तो ये बीच में से खोल के एक बार मसाला भरेंगे और फिर जो दूसरा कट हमने लगाया है उसको भी खोल करके इस तरह मसाला भरेंगे। तो जो हमने जड़ रखी थी, यानी कि जो हमने जड़ अलग नहीं की थी, उससे हेल्प मिलेगी, यानी कि जब हम प्याज को खोलेंगे मसाला भरने के लिए तो प्याज पूरा नीचे तक टूटेगा नहीं, अलग नहीं होगा, इसीलिए हमने उस जड़ को अलग नहीं किया था। तो इसी तरह से हम भिंडी और प्याज दोनों को अच्छे से मसाले से भर लेंगे। यहाँ पर हमने ये भिंडी और प्याज मसाले से भर करके तैयार कर ली है और अब ये कुक करने के लिए रेडी है। पर अगर आपके पास बेबी अनियंस नहीं है घर में, क्योंकि बेबी अनियंस हमेशा बाज़ार में नहीं मिलते हैं इतनी आसानी से, तो आप प्याज को इस तरह बड़ा बड़ा काट करके भी भिंडी के साथ यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और यहाँ गैस पर मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर कढ़ाई रख ली है। इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 टीस्पून जीरा और थोड़ी सी हींग डाल रहे हैं हम, लगभग 3 से 4 चुटकी जितनी हींग मैंने यहाँ पर डाल दी है। और अभी हम पहले भिंडी को कढ़ाई में डालेंगे, अभी प्याज नहीं डालने हैं हमें, जो हमने भरवा यानी कि जो भिंडी हमने मसाले से भर के रखी है, अभी सिर्फ हम भिंडी को कढ़ाई में डाल रहे हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चों को बहुत बारीक काट करके रखा है, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। इनको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि लाल मिर्च तो हमने इस रेसिपी में पहले यूज़ कर ही ली है।
और अभी हम फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखेंगे और भिंडी को लगभग 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। और इसको चलाते हुए ना बहुत ज़्यादा मतलब लाइट हैंड्स यूज़ करना, जिससे कि मसाला जो है वो भिंडी के अंदर से निकले नहीं। तो लगभग 7 से 8 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे और बीच बीच में 1 से 2 बार आप इसको चला दीजिएगा। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं नीचे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल अलग से हमें दिखने लगा है, मसाले की भी एक रोस्टेड सी स्मेल आने लगी है, मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है। तो अब 7 से 8 मिनट के बाद इस स्टेज पर आकर हम जो हमारे बेबी अनियंस हैं जो हमने भरवा करके रखे हैं उनको भी डाल देंगे। प्लेट में जो एक्स्ट्रा मसाला है उसको भी आप ऊपर से ही कढ़ाई में ही डाल दीजिए। और प्याज को भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार, और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और 1 से 2 मिनट बाद हम फ्लेम को अब इस समय बिल्कुल लो कर देते हैं और लो फ्लेम पर हम इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट तक और पकने देंगे, क्योंकि प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा क्रंची रहेगा प्याज तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर सिर्फ 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। तो 5 से 6 मिनट हमने भिंडी और प्याज को लो फ्लेम पर अब पका लिया है और आप देख सकते हैं हमारे प्याज भी अच्छे से गोल्डन कलर के दिखने लगे हैं और भिंडी के ऊपर मसाला भी भुन गया है और मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो हम इस भिंडी को अब गर्मा गर्म सर्व करते हैं, आप इसको रोटी या नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इस बार आप जब भी भिंडी बनाएंगे तो इसी रेसिपी को ट्राई करना, भरवा भिंडी भरवा प्याज के साथ, सब बहुत खुश होकर खाएंगे आई एम श्योर। और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और इजी टेस्टी क्विक रेसिपीज़ के लिए या नई रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल चीना इन द किचन को विज़िट भी कर सकते हैं, वहाँ आपको और भी बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, लगभग हर दिन मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके। तो मैं ये भिंडी आज सर्व करने वाली हूँ रोटी और खीरे के रायते के साथ, आप भी जब बनाएंगे तो मेरे साथ फ़ोटो शेयर करिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे चीना इन द किचन में एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ।